नमस्ते गाइस। तो आज 5 दिन हो गए और हमारे गणपति का आज विसर्जन है। तो और नीचे भी हमारे गणपति का विसर्जन है। तो हमने मतलब इतने आइटम्स, इतना जो खाना रहता है वो रखा है गणपति के आगे। और ये हमारे गणपति है, ये सारी आइटम को हम फिर हमारे ब्लॉक में जितने भी घर हैं उनके पास भेजेंगे, जो भी पहचान वाले हैं उनके पास भेजेंगे, बरोबर। सो आज हमारा लास्ट दिन है गणपति का इसके लिए। सो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में, पूरा अपडेट दूंगा विसर्जन कैसे करेंगे सब कुछ। भूल गए तो गाइस क्या पे कथा चल रही है भगवान की। लास्ट ईयर तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ था पूजा में, अब माता राय इस साल हमारे सेक्रेटरी साहब है, मैं एकदम क्लोज सब कुछ सब कुछ कैसे चल रही है जूनी हो गई यार। अरे हम यही पंडित को बुलाता है, 6 महीना माता राय देखती है, नहीं आया तो फिर धीरे से बोलती है भैरो लाडवन धजा ले तो आए बेटा। फिर जब भैरो ग्राणी आता है फिर रोते, हमने किसी का बुरा नहीं किया पर ये दुख क्यों? अरे भैया किसी को निमंत्रण दिया है तो उसको भोजन कराओ। तुमने किसी को बोला है कि हमारा ये काम हो तो हम ये करेंगे तो उसको पूर्ण करो। इसलिए कभी किसी को वचन मत दो, प्रेम से जो है आप किसी भी मंदिर जाइए, देवस्थान जाइए, आप पे जो है चढ़ा दीजिए और भगवान से हाथ जोड़ के बोलिए कि प्रभु तू जिस हाल में रखेगा हम उस हाल में रहने को प्रसन्न हैं। हमें अगर कुछ देना है तो अपनी भक्ति दो और हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जितनी सांसारिक चीजें बढ़ती हैं उतना आदमी सांसारिक चीजें। सो गाइस जैसा मैंने आप सभी को दिखा दिया कि नीचे मतलब कैसे रहता है, तो हर साल कोई ना कोई बैठता है। पिछले 9 सालों से हमारे यहाँ पे गणपति आ रहे हैं और 9 सालों से कोई ना कोई बैठता है। तो लास्ट ईयर मैं बैठा था और इस साल हमारे जो सेक्रेटरी है सोसाइटी के वो और उनके वाइफ बैठे हैं। जब मेरे को टाइम मिलेगा तो वो नीचे का मैं पूरा सीनेरियो उनका फेस दिखे वैसे भी आपको दिखा दूंगा। बट जो वहाँ पे जो ब्राह्मण देवता बैठे हैं जो पूजा करवा रहे हैं, भाई मैंने अब तक अपनी लाइफ में जितने भी जो देखे हैं पुजारी बोलो या तो ब्राह्मण देवता बोलो जो भी है, उनमें से मुझे ये सबसे अच्छे लगे, बेस्ट लगे। क्यों? क्योंकि एक एक चीज़ को वो एकदम सही से समझाते हैं, उनका समझाने का तरीका एकदम बेस्ट है और काफ़ी बढ़िया ब्राह्मण देवते हैं। तो इसलिए मुझे ये जो सत्संग या जो भी बताते हैं कि पूजा के दौरान, तो वो काफ़ी बढ़िया है और समझ भी आता है, काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं, सुलझे हुए जवाब। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि काफ़ी सारे जो ब्राह्मण रहते हैं जो पूछा करवाते हैं जो कथा करवाते हैं, अभी कथा चल रही है फिलहाल, तो ये कथा में हर एक चीज़ को सबसे पहले जो भगवान ने क्या किया है वो बताते हैं, उसके बाद वो चीज़ का मतलब क्या है वो समझाते हैं। तो वो एकदम बेस्ट तरीके से समझाते हैं और जो इंसान समझ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं, ओ भाई सबसे बेस्ट, वो इंसान अपने लाइफ में सब कुछ पा चुका वैसा चीज़, क्योंकि इनका समझाने का तरीका ही एक अलग लेवल का। तो मैं लास्ट टाइम जब बैठा था तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी, मतलब वो जो सत्संग में कथा में जितनी भी बातें रहती है वो हर एक बात को बता रहे थे, उसको ध्यान से समझा रहे थे, मैंने हर एक बात को हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से लिया, अच्छे वे में लिया और फिर मैं उसको समझा। उसके बाद आज अभी तक मैं वो हर एक चीज़ अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, अपने अंदर ला रहा हूँ और उस तरीके से अपना जीवन जी रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा वो चीज़, तो मेरा काफ़ी सारा जो गुस्सा था, फिर मैं बहुत जल्दी लोगों से नाराज़ होता था, मेरे को बहुत जल्दी अभी भी है गुस्सा, बहुत जल्दी आ जाता था, मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ
किसी को भी, बट मुझे वो कंट्रोल करना है, तो मैं धीरे धीरे से सीख रहा हूँ, सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा है तो ये महाराज हैं, उनकी बातों से फ़र्क पड़ा है। तो मैं भगवान की भक्ति के साइड तो हूँ अभी बहुत, पहले तो मैं नहीं करता था, उतना नहीं करता था जितना अभी करता हूँ, बट अभी एक डेली का रूटीन है मेरा भगवान की भक्ति का, बट उतने मन से नहीं कर पा रहा जितने मन से मुझे भक्ति करनी चाहिए भगवान की, मुझे पता है वो चीज़। तो फिर मैं खुश हूँ कि चलो मैं कुछ नहीं करता था, उससे अच्छा कुछ कर रहा हूँ, सो उस लिहाज से मैं खुश हूँ कि हाँ, कि जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, और मैं उतना ट्राई करता हूँ कि हाँ सब कुछ सही से करूँ, अच्छे से करूँ वैसा। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में, जब हम गणपति विसर्जन करेंगे, क्योंकि देखो जैसे नीचे पूजा ख़त्म होगी तो वहाँ पे आरती होगी, तो हम साथ ही साथ यहाँ पे भी हमारे घर में भी आरती करने वाले हैं, और हम हमारा विसर्जन अभी मॉर्निंग में करेंगे। क्यों? क्योंकि शाम के टाइम नीचे सोसाइटी के गणपति का विसर्जन रहेगा, इसके लिए। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में, पूरा विसर्जन का क्लिप दिखाऊँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। ये दो लोग बैठे थे पूजा में, सेकेंडरी साहब और उनके वाइफ, बराबर। और ये हमारे सोसाइटी के गणपति, तो आज 4 बजे विसर्जन करने वाले हैं। नहीं आज 5 दिन हो गए और मेरे घर के गणपति का विसर्जन है, तो मैं पूरे घर के अंदर गणपति घुमा के विसर्जन करेंगे हम लोग। गणपति बाप्पा Papa Moria.
नारियल के अति दिन पहले गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, नहीं आड़ा मुकवा पड़ सा, हां बस, हां वांदे नहीं वांदे, गणपति बाप्पा मोरिया, एम अभी नहीं आवे, एम आएगी टीचर। Thank you.
गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि आज हमारे घर का और सोसाइटी का विसर्जन था, तो ये ऐसे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। और आई थिंक नवरात्रि में भी मैं आपको डेली कुछ अच्छा नया दिखाऊंगा। सो गाइस, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।